ये जो मोनालिसा का पेंटिंग आप देख रहे हो, इसमें तीन बहुत अजीबोगरीब बातें आपको आज पता चलेगी। पहला, ये पेंटिंग पहले इतनी फेमस नहीं थी। जब 1503 में से लियोनार्डो दा विंची ने बनाना शुरू किया था, तब इसकी कीमत कुछ रुपए ही थी। लेकिन हुआ क्या ना कि ये अचानक गायब हो गई, और इसकी कीमत करंट में, यू कांट बिलीव, किसी एक स्टेट का जीडीपी हो सकता है $7,000 के आसपास में, $7,000 करोड़। सोचो कितना बड़ा अमाउंट है। दूसरा, इस पेंटिंग को बनाने में उन्हें 14 साल लगे थे, जिसमें से सिर्फ 12 साल, ये जो आप लिप देख रहे हो, ये लिप को डिजाइन करने में लगा। कहा जाता है ये लिप इस तरह से डिजाइन किया है कि जिस मूड में आप इस पेंटिंग को देखोगे ना, वो मूड में ही आपको दिखेगी। मान लो मैं हैप्पी मूड में इसे देख रहा हूँ, तो ये आपको हैप्पी वाला मूड दिखाएगी। अगर आप अपने बहुत रूडली देख रहे हो, तो इसका चेहरा जो आपको रूड दिखेगा। और तीसरा, जो सबसे अनोखी बात है, वो ये है कि इस पेंटिंग के नीचे एक कोड वर्ड लिखा हुआ है कि द एंड इज हियर एंड एवरीथिंग बियॉन्ड मी। ये आज तक इसका खुलासा नहीं हो पाया है। और अनोखी बात ये भी है कि किसी भी राजा के पास ये कभी टिकी नहीं। किसी ने भी रखने की कोशिश की अपने रूम में, तो ये वहां से ऑटोमेटिक गायब होती है और दूसरे जगह ये पाई जाती है।